मेरा नाम आशीष है, मैं कौटिल्य पब्लिकेशन से बोल रहा था। तो हम पॉमेस्ट्री में आज माइंड लैंड के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, ये हार्ट लाइन होती है और ये माइंड लाइन होती है और ये लाइफ लाइन होती है। तो ये माइंड लाइन आप देखेंगे कि ये सपोज को इससे प्लस की हुई है ना, इससे लगी हुई है, तो क्या होता है, आदमी लव के सोचता है ना। आप देखेंगे तो हार्ट लाइन और ये ज्वाइन ज्वाइन आती है पहले से, तो इससे क्या आदमी लव के यानी प्रैक्टिकल सोचता है, ऐसा हवा में बातें नहीं करता या हवा में नहीं सोचता था या अपने दुनियादारी से अलग नहीं रहता, यानी अपने नौकरी किया, काम किया, खाया पिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं रहता। वो दुनिया से नहीं चिपक के रहता है या कॉन्टेक्ट वगैरह होते नहीं, तो क्या होता है ये दोनों लाइन एक नहीं होती। तो कभी कभी आदमी दुनियादारी से अलग रहता है, अपने खुद में खाया पिया नौकरी की, ऑफिस गए काम पे ऑफिस खाया पिया नौकरी की, ना कोई कनेक्शन वगैरह नहीं होता, अपने आइसोलेटेड रहता है। तो ये दोनों एक साथ रहेंगे तो अच्छा होता है। ये लाइन जितनी लंबी होती है उतना ही दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों का इतना शार्प दिमाग होता है, कहीं कहीं तो आप ये लाइन को नीचे तक भी जाते हुए देखेंगे। तो ये लोगों का बहुत शार्प दिमाग होता है, इतना शार्प होता है, लेकिन जब भी ये लाइन नीचे की तरफ जाती है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नीचे, तो ये लोग अपने दिमाग का यूज़ दूसरे को लूटने के लिए भी करते हैं या उसका फ़ायदा उठाने के लिए भी करते हैं। अब देखिए ये ज़्यादा होंगे तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के भी रहना चाहिए, ये लोगों दूसरे को अपना प्रॉफिट यानी अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं, तो इनसे भी ज़्यादा बच के रहने का। कभी कभी ये लाइन सीधी भी जाती है, तो ये सीधी लाइन अच्छी होती है, दिमाग तो अच्छा रहता है। ये लंबी होती है, सीधी सीधी भी जाती है कभी कभी, ये हार्ड लाइन और ये हार्ड लाइन और कभी कभी वो माइंड लाइन दोनों एक भी हो जाती है। कभी कोई क्लाइंट है उनके माइंड लाइन और हार्ड लाइन एक भी हो जाती है, कभी माइंड लाइन हार्ड लाइन एक हो जाते हैं, लव मैरिज के भी चांस होते हैं। और ये जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतना आदमी दिमाग से बहुत सोचता है, दिल से नहीं सोचता है, हर चीज़ में दिमाग लगाता है, इमोशन रहते हैं इसमें, इमोशन ज़्यादा नहीं वापर पाता है, तो इनके लव मैरिज के चांस भी थोड़ा कम रहते हैं। अलग चीज़ है पर बताया। अब ये लाइन में कभी कभी ब्रेक आ जाता है, अब ये देखिए ये लाइन है, इसमें कभी कभी यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, यहाँ से फिर लाइन चालू हो गई, ऐसा ऐसा आईएसओ लैब वगैरह बन गया। तो ये आदमी का उस टाइम पे दिखा था कि इन्हें थोड़ा सा पागलपन का दौर है या डिप्रेशन में आदमी जाता, तो ये भी दिखा था, ऐसे ऐसे गैप बनाया आइसोलेशन इस टाइप से, इसे दिख रहा आपको, ये यहाँ से बारीक हो गई फिर यहाँ से आगे बढ़ गया, तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा आदमी डिप्रेशन में चले गया या उसको कुछ कुछ टाइम के लिए ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आदमी को शुद्ध लव में डिप्रेशन आ जाएगा या कुछ लॉस हो जाएगा, मतलब फायदा है कोई ना कोई चले जाएगा क्लोज का, तो उसको डिप्रेशन में जाएगा, तो ये दिमाग का भी होता है, या चोट लग गई या ऐसे एक्स वाई जेड कुछ हो गया, तो ये भी दिखाता है आइसोलेशन में। इसमें जितने क्रॉसेस होंगे उतने अच्छे नहीं होते, ये डबल लाइन अच्छी नहीं होती, इसमें डबल लाइन आपको दिखेगी तो अच्छी नहीं होती, एक ही लाइन चाहिए, बिल्कुल सीधी सटक चाहिए ना, सीधी होनी चाहिए, जैसे डबल डबल लाइन अच्छी नहीं होती, डबल डबल सोचते बैठेगा वो, ये जितनी क्लियर होगी उतना ही आदमी का दिमाग बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प होता है। तो आज ये माइंड लैंड के बारे में बता देता हूँ। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सबसे पहले हमारा वीडियो आपको पहले देखेंगे, सबसे पहले आप ये देख पाएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।